अगर तुम लोग भी अपने फ़ोन में इस तरह का कस्टमाइजेशन चाहते हो, ये न्यू कंट्रोल सेंटर अपने फ़ोन में एक्टिवेट करना चाहते हो जिसमें तुम्हें एनालॉग क्लॉक देखने को मिल जाता है और 3 रो यहाँ पर ऐड किया गया है और जो मीडिया कंट्रोल है वो भी तुम्हें देखने को मिल जाता है, तो अगर तुम लोग भी अपने फ़ोन में इस तरह के सारे कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, सुपर वॉलपेपर को अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो या फिर इस तरह की विजेट्स को अपने फ़ोन में एक्टिवेट करना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। आज की वीडियो में तुम लोग को बताने वाला हूँ किस तरह से तुम लोग अपने फ़ोन में इस तरह की कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट कर सकते हो। और दोस्तों इस कंट्रोल सेंटर की क्रेडिट इसके डेवलपर को जाता है, तो देख सकते हो कुछ इस तरह की मोनेट वाले तुम लोगों को कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है जिसमें एनालॉग क्लॉक भी मोनेट देखने को मिलता है, पर अभी जो मैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने वाला हूँ वो नॉन मोनेट वाला देखने को मिलता है। तो सिंपली तुम्हें जो MIUI सिस्टम प्लगइन अपडेट आता है उसे तुम्हें अपने फ़ोन में अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने से पहले तुम लोगों को अपने फ़ोन में कोर पैच को एनेबल करना होगा, और कोर पैच को एनेबल करने के लिए तुम्हें अपने फ़ोन को रूट करना होगा। तो जैसे तुम लोग अपने फ़ोन में रूट करके कोर पैच को एनेबल कर लोगे, उसके बाद किसी भी APK को जिसमें सिग्नेचर वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है उसे तुम लोग सिंपली APK को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से तुम्हें ये इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ पर 3 रो को ऐड किया गया है, मीडिया कंट्रोल मिल जाता है, एनालॉग क्लॉक देखने को मिलता है। तो अभी तुम लोगों ने देखा कि मैं अपने फ़ोन में मोनेट वाला कंट्रोल सेंटर यूज़ कर रहा था, पर इस वाले APK को इंस्टॉल करने के बाद अपडेट करने के बाद नॉन मोनेट कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से तुम्हें नॉन मोनेट वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है जो दिखने में काफ़ी कूल सा लग रहा है। तुम्हें यहाँ पर एनालॉग क्लॉक देखने को मिल जाता है, मीडिया कंट्रोल मिल जाता है, 3 रो यहाँ पर ऐड किया गया है, वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। और पावर मेन्यू की बात करते हैं यहाँ पर, तो एडवांस पावर मेन्यू को सपोर्ट नहीं मिलता, पर यहाँ बात करते हैं वॉल्यूम कंट्रोल तुम्हें iOS वाली या फिर MIUI पैड की MIUI पैड वाली वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि मोनेट वाला तुम्हें पसंद है या नॉन मोनेट वाला पसंद है। खैर दोनों में कुछ इस तरह इंटरफेस हमें देखने को मिलता है, और जो सारे टॉगल्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे फ़ोन पर काम करता हुआ दिख जाता है। तो अगर तुम लोग भी अपने फ़ोन में इसे एक्टिवेट करना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने फ़ोन को रूट करके कोर पैच को इनेबल करना होगा, उसके बाद किसी भी सिग्नेचर वेरिफिकेशन वाले APK को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में इस तरह के कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर कोर पैच वाली गाइड डिटेल में चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा।